देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। जहां पूरे देश में फिल्म पद्मावत का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी फिल्म का विरोध देखने को मिला, जिसमें स्वरूप राज सिंह जूली ने कहा है कि इतिहास से छेड़छाड़ करके बनाई गई फिल्म का सभी विरोध करते हैं और सेंसर बोर्ड की भी निंदा करते हैं जो ऐसी फिल्मों को रिलीज करने देते हैं। एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को हिंदू की भावना का आदर करना चाहिए और ऐसी फिल्मों को रिलीज न होने दे, क्योंकि इस फिल्म में माता पद्मावती के सम्मान से खिलवाड़ दिखाया गया है और फिल्म निर्माता ऐसा केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद पूरे देश में पद्मावती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और हमारे इस विरोध का उस पर असर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी ये देखेगा कि आखिर जनभावनाएं क्या हैं, और मेरा अपना मानना है कि आज कोई सकारात्मक निर्णय आना चाहिए। मुख्य चीज ये है कि पद्मावती के चरित्र पर इस तरह से फिल्म बनाकर पैसा कमाने की जो एक मुहिम, या और अन्य किरदार भी हैं इतिहास में, उनको इस तरह से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फिल्म जगत को ये सोचना पड़ेगा कि आगे से इस तरह का कोई फिल्म निर्माण ना हो, क्योंकि हम इस फिल्म को कतई चलने नहीं देंगे। वुड सीजनिंग प्लांट बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आज एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल एम ने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद इकबाल, अध्यक्ष वुड कार्विंग एसोसिएशन। प्लांट ठीक से नहीं चल पा रहा है और उसकी वजह यह है कि एक तो यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी हो गई है। सरकार ये चाहती है कि हम इस प्लांट को किसी आदमी को किराए पर दे दें और जब उनको ये सपोर्ट हेल्प मिलेगी तो हमारे यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक सहारनपुर का जो नाम है पूरे वर्ल्ड में, उसमें एक बढ़ोतरी पैदा होगी और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने उद्योग हमारे साथ लगे हुए हैं, सब इस कोशिश में है कि ये किसी यहाँ के आदमी को दे दिया जाए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पोलियो के खात्मे के लिए चलाए जा रहे पल्स पोलियो अभियान के तहत आज सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल में जिले के अधिकारी कुणाल सिल्कू ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर सीडीओ सीएमओ भी उनके साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि पोलियो ड्रॉप पिलाने का अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है, इसमें चिकित्सा विभाग सहित एएनएम भी इस काम में लगाई गई है। पोलियो राउंड चल रहा है, हम लोगों ने भी यहाँ पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इसको स्टार्ट किया है। सारे केंद्रों पे जितने भी हमारे एएनएम सेंटर्स हैं, हर सेंटर पे पल्स पोलियो पिलाया जा रहा है। पूरा स्वास्थ्य महकमा इसमें लगा हुआ है, एएनएम्स पिला रही हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। जहां भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक देशराज करणवाल के साथ कई विशिष्ट अतिथियों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ हरीश रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया, साथ ही विभिन्न विभूतियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने खेल, समाज, शिक्षा, न्याय आदि के क्षेत्रों में अपना बेहतरीन योगदान दिया। पत्रकारों से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम में आगे काफी प्रसन्नता हुई और ऐसे कार्यक्रम बार बार होने चाहिए। दलित साहित्यकारों, सृजनकारों को प्रणाम करने और उनका स्वागत करने, उनका अभिनंदन करने आया। ये भी एक साहित्य और सोच का हिस्सा है और इस ऐसी भावना का भी सम्मान किया जाना चाहिए और ये लोकतंत्र का हिस्सा है। ये भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हो रहा है, जिलाधिकारियों को दबाव में लिया जा रहा है, जिलाधिकारियों को जो है पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने की मशीन बनाया गया है। मैं इस कार्य की निंदा करता हूँ। प्रदेश सरकार के गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा आज एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कासगंज पर बयान देते हुए कहा कि योगी सरकार बहुत सख्त है और पिछले 15 साल की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की ध्वस्त थी। पूरी तेजी से माननीय योगी ने मात्र 9 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को रोल मॉडल बनाया है और निश्चित रूप से कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ प्रमुखता से कार्रवाई होगी। भारत माता की जय बोलने पर उन्होंने कहा कि देश में भारत माता की जय बोलने का सभी को अधिकार है और भारत माता की जय बोलते हैं तो सम्मान बढ़ता है, स्वाभिमान बढ़ता है। मैं कहूँगा कि योगी सरकार बहुत सख्त है और पिछली 15 साल की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश की ध्वस्त थी, बहुत तेजी के साथ माननीय योगी जी ने मात्र 9 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश के लिए रोल मॉडल बनाया है।
और निश्चित रूप से कोई भी होगा कानून उसके अपने हाथ में लेने की हिम्मत करेगा तो उसके खिलाफ बहुत प्रमुखता से कार्रवाई होगी और योगी सरकार पूरी शक्ति के साथ किसी भी तरह से उपद्रवियों को छूट नहीं देगी। तो इस देश में भारत माता की जय संवैधानिक रूप से सबको बोलने का अधिकार है और भारत माता की जय का नारा मैं ही चैनल पर 10 बार बोल रहा हूँ। अभी भारत माता की जय का नारा बोलते हैं तो स्वाभिमान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।